बच्चों आज हम स्टडी करेंगे डाइपोल। डाइपोल वर्ड कहाँ से आया? फिजिक्स में जितने भी कंसेप्ट्स आते हैं ना, वो किसी ना किसी पर्टिकुलर नेचुरल फिनोमेनन से निकल के आते हैं। एक्चुअली अगर आप केमिस्ट्री पढ़ें ना, तो आप देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पार्शियली पोलराइज्ड होते हैं। जैसे हम बात कर रहे हों HCl मॉलिक्यूल की, H और Cl के बीच के डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, और Cl क्या करता है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से। तो इस पे पार्शियल चार्ज आ जाता है, जिसको हम डेल्टा माइनस कह सकते हैं, इसको हम डेल्टा प्लस बोल सकते हैं, और इसके बॉन्ड लेंथ को हम डी बोल देते हैं। तो ऐसे केसेस में ना ये एक तरह के डाइपोल का काम करता है। डाई मतलब टू और पोल्स मतलब पोलैरिटी हो जाना। पोलैरिटी वर्ड जब भी आता है तो एक तरफ पॉजिटिव होता है, दूसरी तरफ नेगेटिव होता है। जैसे मैग्नेट में पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल इन दूसरा साउथ पोल, तो अगर नॉर्थ पोल को पॉजिटिव मानते हैं तो साउथ पोल को नेगेटिव मानते हैं। इसी तरह से डाइपोल का मतलब क्या हुआ, डाइपोल का मतलब हुआ इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी चार्जेस, ऑफ टू चार्जेस। ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्ज होता है जिसमें से वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज कैसा होगा बेटा, नेगेटिव। तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के कॉम्बिनेशन से जो ज्योमेट्री बनती है दैट्स कॉल्ड डाइपोल। तो हमें दिखाई दे रहा है एच और सी एल एक तरह का डाइपोल है। तो अब जो अबव डेफिनेशन है उसके हिसाब से हम बना सकते हैं कि हमारे पास एक प्लस चार्ज होगा और एक माइनस चार्ज होगा, इसको हम डाइपोल बोल रहे हैं। अब डाइपोल की इंपॉर्टेंस ज्यादा अच्छी कब मानी जाएगी, तो हम दो अलग अलग केसेस देखते हैं। आप इमेजिन करो कि हमारे पास प्लस और माइनस बिल्कुल पास पास रखे हो, बिल्कुल पास पास रखे हो, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। तो अगर ये दो चार्जेस हैं तो जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो नेट चार्ज अगर हम देखें ओवरऑल की बात करें तो जीरो हो गया। कोई हमसे बोले कि बताओ ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी डाइपोल की वजह से, तो आंसर क्या आएगा, हमसे बात करी जाए ई एट ए, तो आंसर क्या आएगा बेटा, जीरो। रीजन, ए पॉइंट का पॉजिटिव से डिस्टेंस और नेगेटिव से डिस्टेंस बराबर है, और अगर हम ए पॉइंट से देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि ये पूरा का पूरा मिलके कितना चार्ज हो जा रहा है, इफेक्टिव चार्ज जीरो हो जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। या अगर हम इस डाइपोल के, जैसे प्लस और माइनस बहुत पास पास हैं, इस डाइपोल के सामने क्यू नॉट चार्ज रख दें और हमसे बात करी जाए कि फोर्स ऑन क्यू नॉट कितना होगा, तो आंसर कितना आएगा बेटा, आंसर आएगा जीरो। इसका मतलब हुआ डाइपोल ए पॉइंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं छोड़ पा रहा है, क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि डाइपोल इफेक्टिव बने, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, दोनों चार्जेस पास पास रखने चाहिए कि थोड़े से गैप पे रखने चाहिए? ऑफकोर्स थोड़े से गैप पे रखना चाहिए, तो इस गैप को हम बोल रहे हैं डी के बराबर। और दोनों चार्जेस की वैल्यू बराबर बराबर है, एक है प्लस क्यू तो दूसरा है माइनस क्यू, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं डाइपोल इज इफेक्टिव कब, व्हेन चार्जेस आर एट सम डिस्टेंस अपार्ट। मतलब अगर चार्जेस बिल्कुल पास पास रखे होंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन चार्जेस अगर थोड़े से सेपरेशन पर रखे होंगे तो डाइपोल इफेक्टिव होगा। इसका मतलब डाइपोल में प्लस है माइनस है, लेकिन साथ साथ में थोड़े से सेपरेशन पे हैं, तभी ये डाइपोल इफेक्टिव होगा। अब अगर कोई हमसे बोले कि वी हैव प्लस, वी हैव माइनस एंड वी हैव सेपरेशन डी और ये ए है, तो कोई हमसे बोले कि अब की बारी फील्ड जिसको हम ई से डिफाइन करते थे एट ए, बेटा अभी जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा, ये नॉन जीरो होगा। रीजन, नेगेटिव चार्ज से ए तक का डिस्टेंस डिफरेंट है और प्लस चार्ज से ए तक का डिस्टेंस डिफरेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट जीरो। सिमिलरली वी हैव दिस प्लस एंड माइनस एट सेपरेशन डी, हम इसको डाइपोल बोल रहे हैं, और अगर हम यहां पे क्यू नॉट चार्ज रख दें और फिर कोई हमसे बोले कि इस डाइपोल की वजह से क्यू नॉट पे कोई फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आंसर आएगा कुछ ना कुछ लगेगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स ऑन क्यू नॉट इज आपकी बारी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब जो डाइपोल अब हम बना रहे हैं ये इफेक्टिव होगा, क्योंकि इनके बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन है। तो डाइपोल की आइडेंटिटी दो बातों पे डिपेंड करती है, नंबर वन इनका चार्ज कितना है, नंबर टू इनके बीच का सेपरेशन कितना है। तो
तो हम ऐसे लाइन लिख सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ डाइपोल, इफेक्ट ऑफ डाइपोल डिपेंड्स अपॉन नंबर वन चार्ज, नंबर टू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस. इन दो चीजों पे डिपेंड करता है इफेक्ट ऑफ डाइपोल. और इस क्वांटिटी को हम नाम जानते हैं डाइपोल मोमेंट से, डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट बेसिकली किसी डाइपोल की आइडेंटिटी होती है या उसका इफेक्टिवनेस होता है. और ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, अभी हमने देखा था बेटा, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और ये बीच का डिस्टेंस मान लो एल है. तो डाइपोल मोमेंट हम किसको बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे, और दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा. तो आप लैंग्वेज लिख लो, कोई तुमसे पूछे कभी डाइपोल मोमेंट क्या है तो आप क्या लिखोगे, लिखो इट इज प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्जेस एंड सेपरेशन बिटवीन चार्जेस. इट इज प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्जेस एंड सेपरेशन बिटवीन चार्जेस. इट इज डिनोटेड बाय पी. हर बुक में पी से रिप्रेजेंट करते हैं तो मैं भी कर दे रहा हूं. इट इज डिनोटेड बाय पी इक्वल टू, क्या लिखेंगे जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है, क्यू मल्टीप्लाइड बाय एल. आप फिर से लिख लो, इट्स एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, कूलम मीटर. इट्स एसआई यूनिट इज कूलम मीटर. एक और लाइन लिखेंगे, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. अब ये वेक्टर क्यों है, इसके बारे में मैं आपको अगले वाले टॉपिक्स में जब मैं टॉर्क पढ़ाऊंगा डाइपोल पे तब आपको समझाऊंगा कि ये वेक्टर क्यों है. अभी आपने केवल इस बात को याद कर लेना है कि मैंने समझाया था कि ये वेक्टर क्वांटिटी है. थोड़ा सा और समझाता हूं जो यहां पे लिखा है. मान लो लेफ्ट साइड में हम लेते हैं माइनस, राइट साइड में प्लस. तो डाइपोल मोमेंट मैंने क्या बोला, वेक्टर है. डायरेक्शन कहां से का, माइनस से प्लस की तरफ. सो दिस इज समथिंग पी वेक्टर. और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, क्यू इंटू सेपरेशन इंटू एन कैप. ऐसा इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि क्यू स्केलर है, एल को यहां पे हम मॉड्यूलस फॉर्म में ले रहे हैं तो ये भी स्केलर है, तो हमने एन कैप ले लिया, जहां पे एन कैप की डायरेक्शन कहां से कहां होगी, माइनस से प्लस की तरफ. आप चाहो तो लिख सकते हो एन कैप हैज डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू. आई थिंक क्लियर हो गया, ये डाइपोल मोमेंट है. एग्जाम्पल, कोई हमसे बोलता है, एग्जाम्पल देयर आर टू चार्जेस 10 माइक्रोकूलम एंड माइनस 10 माइक्रोकूलम एट डिस्टेंस 1 मिलीमीटर. Find dipole moment of dipole. Dipole का dipole moment हमने बताना है कि कितना आएगा. तो बेटा हम क्या लिखेंगे solution में, हम लिखेंगे solution में dipole moment is P equal to Q into L, और Q को one of the charges, मतलब कितना, 10 into 10 power minus 6 micro में दिया हुआ है, और millimeter distance है तो हम क्या लिखेंगे, 10 power माइनस 3, दैट बिकम्स 10 पावर माइनस 5 ये है, और 10 पावर माइनस 3 ये, 10 पावर माइनस 8 यूनिट क्या आएगा, कूलम मीटर. दिस इज द सॉल्यूशन फॉर डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल. अच्छा, बहुत सारे केसेस में तो सीधा दिया होता है, बहुत सारे केसेस में सीधा नहीं होता. जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारे पास मॉलिक्यूल है, वी हैव अ मॉलिक्यूल HCl, ये एक तरह का डाइपोल है क्योंकि यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है. हमारे पास H2O भी तो हो सकता है. अगर हम H2O को देखेंगे तो इसका ज्योमेट्री किस हिसाब से दिखता है, O होता है, यहां पे H होता है और यहां पे H होता है,
और इनके बीच का एंगल होता है थीटा, और एंगल आपको मालूम होगा यहाँ पे आता है डेल्टा माइनस, यहाँ पे आता है डेल्टा प्लस, यहाँ पे फिर आता है डेल्टा प्लस, और बेसिकली ये डेल्टा माइनस टू होते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा माइनस, ऐसे मैंने लिख दिया। सो अब ध्यान से देखें, ओ पे होगा टू डेल्टा माइनस, एच पे डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस। अगर हम अच्छे से देखें तो ये एक कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहा है, देखो ये वाला पार्ट, ये एक डाइपोल का फॉर्मेशन कर रहा है, ये एक दूसरे डाइपोल का फॉर्मेशन कर रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि H और O का एक पार्ट एक डाइपोल बना रहा है, दिस डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस इज मेकिंग वन डाइपोल डायरेक्शन फ्रॉम माइनस टू प्लस, इसको हम P बोल देते हैं, आई थिंक ठीक है। दूसरा यहाँ देखो, फिर से डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, एक और डाइपोल बन रहा है और वो P आ गया। मैं इसका एंगल नहीं आपको SS ले रहा हूँ, बस मैं थीटा के फॉर्म में करवा रहा हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए। तो अगर हम इस पूरे कॉम्बिनेशन को देखें ना, तो हमें कुछ ऐसे दिखाई देगा कि वी हैव वन पी वैक्टर एंड वी हैव अनदर पी वैक्टर, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो अगर कोई हमसे पूछे पी नेट कितना आएगा, पी नेट तो याद है वो हमने प्लस वन में पढ़ा था, दो वेक्टर का कॉम्बिनेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऐसा कुछ। तो पी नेट कितना आएगा बेटा, पी नेट आएगा फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर प्लस टू टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू कॉस थीटा, ये हमारा पी नेट आ गया। हम चाहे तो थोड़ा सा कॉमन ले सकते हैं, ये पहला वाला पार्ट कितना बन गया, टू पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इफ वी वॉन्ट हम इसको टू पी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बाहर, रूट टू पी, अंडर रूट में क्या बनेगा, वन प्लस कॉस थीटा। हम चाहे तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, वन प्लस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे हम, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, वन से वन कैंसिल हो जाएगा और टू का रूट टू एंड ये क्या बन जाएगा, टू पी कॉस थीटा बाई टू, दिस इज समथिंग पी नेट। ये कब की बात हो रही है, जब हमारे पास डाइपोल मोमेंट सिंगल नहीं हो, एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो जिसमें एक से ज़्यादा डाइपोल मोमेंट हो और उनका क्लब करके लिखेंगे तो हमारे पास ये आंसर निकल के आएगा। जैसे कोई हमसे पूछे एक एग्जांपल देता है, समबडी सेज की एग्जांपल, और ऐसा कुछ किसी ने बोला कि देखो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है ऐसे कुछ, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में समबडी सेज की यहाँ पे हमारे पास आ गया लेट्स से 2q चार्ज, यहाँ पे आ गया माइनस क्यू, यहाँ पे आ गया माइनस क्यू, दिस इज ए एंड दिस इज ए एंड दिस इज ए, एंड कोई बोलता है फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन। कोई हमसे ऐसे कहता है कि इसको फाइंड करो डाइपोल मोमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन, तो तुम सबसे पहले देखोगे, तुम बोलोगे सर डाइपोल कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, तो कुछ अलग अलग से चार्जेस हैं डाइपोल में, तो टू चार्जेस होते थे, तो आंसर आएगा कि नहीं यहाँ पे भी टू हैं, बस हमने अपने हिसाब से देखना है। कैसे देखेंगे हम, दोबारा डायग्राम बनाते हैं। अगर हम इसको अपने हिसाब से लिखेंगे तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस क्यू और यहाँ आएगा माइनस क्यू, फिर मैं यहाँ लिखूंगा प्लस क्यू और यहाँ आएगा माइनस क्यू। देखो बेटा ऐसे ही है ना, वहाँ पे टू क्यू लिखा था, उनको हमने अलग अलग कर लिया। एक डाइपोल बनेगा माइनस से प्लस की तरफ, वी हैव गॉट दिस डाइपोल फ्रॉम माइनस टू प्लस। एक बनेगा फिर से माइनस से प्लस एंड वी हैव गॉट दिस सेकेंड डाइपोल माइनस से प्लस, आई थिंक क्लियर है। अगर इसकी वैल्यू पी होगी तो ये भी पी होगा, और दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री के इक्वल होगा। तो अभी हम क्या कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन में दो वेक्टर काम कर रहे हैं, वन इज दिस लेफ्ट पी, अदर इज दिस राइट पी। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं ना पी नेट, तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस टू पी पी कॉस कितना 60, एंड यहाँ से वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ टू पी स्क्वायर प्लस कॉस 60, हाफ होगा जो 2 को कैंसिल करेगा, यहाँ से फिर क्या आएगा पी स्क्वायर, फाइनली आंसर कितना आएगा रूट थ्री पी। आपको दिखाई दिया 2 और 1 3 हो जाएगा रूट थ्री पी, और पी की वैल्यू हमें दिख रही है, पी की वैल्यू कितनी आएगी, पी की वैल्यू आएगी क्यू इंटू ए और L जो भी हमने लिया, यहाँ पे हमने A लिया हुआ है तो हम क्या बोलेंगे Q into A, this would be P net। So इस particular केस में जो equivalent dipole moment आएगा वो कितना आएगा root 3 Q into A। तो अभी हमें समझ में आई क्या चीज़ के dipole क्या चीज़ है और dipole moment क्या चीज़ है। अब हम समझेंगे dipole की वजह से electric field कैसे आती है, तो उसके पहले ना हम कुछ चीज़ें समझते हैं आपको, मैं आपको बताऊं ये अर्थ है, ये अर्थ है,
इसको बोलते हैं हम नॉर्थ पोल और इसको हम बोलते हैं साउथ पोल। तो ये पोल एंड पोल, पोल और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम एक्सिस बोलते हैं। आपको याद होगा, आपको कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमें मालूम है। और इसकी जो इसके जो परपेंडिकुलर होता है ना, ये प्लेन होता है बेसिकली, या परपेंडिकुलर लाइन हम ये बोल सकते हैं। ये दिस थिंग इज कॉल्ड इक्वेटर। इक्वेटर इक्वेटर तो पूरा प्लेन होता है, लेकिन इस जो लाइन में दिखाने की ट्राई कर रहा हूं, इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो जो एक लाइन है उसको हम बोलते हैं एक्सिस एक्सिस या एक्सियल लाइन, और दूसरे वाले लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। दोबारा समझाता हूं, एक्सिस का मतलब क्या है, पोल और पोल के बीच में ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलते हैं, पोल और पोल के बीच में ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्सिस बोलते हैं, और इससे ठीक बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो मैं आपको फिर दिखाने की ट्राई करता हूँ। हम बात करते हैं दोबारा से डाइपोल की। तो ये हमारा डाइपोल है, ये हमारा डाइपोल है, ये माइनस है और ये प्लस है। बेटा इनको क्या बोलते हैं, पोल्स एंड पोल्स। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्सियल लाइन, याद रहेगा आपको। और इसके ठीक बीच में से जाने वाली परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन, आपको याद रहेगा। इसी का एक और नाम है, एक्सियल लाइन का एक और नाम है, उसका नाम है एंड ऑन, एंड ऑन पोजिशन। एंड ऑन क्यों बोला, क्योंकि ये चार्जेस के एंड में है। और जो इक्वेटोरियल लाइन है इसका एक और नाम है ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, ऑन पोजिशन। तो मैंने आपसे क्या बताया, पोल और पोल से ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलते हैं एक्सियल लाइन या एंड ऑन पोजिशन, और दूसरे वाले परपेंडिकुलर लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन और ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। सो ये एंड ऑन एंड ब्रॉड साइड ऑन आप अपने दिमाग में फिट कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा याद रहेगा। बड़े एक्सियल और इक्वेटोरियल शायद आपको भूलनी नहीं चाहिए, मैंने आपको अर्थ से कंपेयर करके दिखाया। पोल और पोल से ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सिस बोलते हैं, और उसके परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि जनरली सीबीएसई बोर्ड में या डिफरेंट बोर्ड्स में या एनसीईआरटी में जो आर्टिकल गिवन है वो गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। तो आप पूछोगे सर कहाँ पे डाइपोल की वजह से, तो दो अलग अलग तरह के आर्टिकल आते हैं, एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे। वो पढ़ने के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, जिससे हमें ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हमने वहाँ पे इस वैल्यू को फाइंड कर। बच्चों अब हम देखेंगे कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अलग अलग पॉइंट पे निकालनी है वो कैसे आती है। तो सबसे पहला वाला पॉइंट हम लिख रहे हैं, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। सो वी मेक अ डाइपोल, ये डाइपोल हमने बना लिया, दिस साइड वी हैव माइनस चार्ज, दिस साइड वी हैव प्लस चार्ज, और इनके बीच का सेपरेशन ले लेते हैं हम इजी बनाने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन में आसान बनेगा, इसलिए हम इसको ले लेते हैं 2a। 2a लेने के पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, रीजन है कि आसान बन जाएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो आपको मालूम है चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम एक्सियल लाइन बोलेंगे, और अगर हम यहाँ से देखें बेटा तो एक्सियल लाइन का क्या मतलब हुआ, ये वाली लाइन को हम एक्सियल लाइन बोलेंगे, ये वाली लाइन। अनसपोज करो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, हमने जहाँ निकालनी है वहाँ का डिस्टेंस गिवन होगा, लेट से यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है आर के बराबर, दिस डिस्टेंस इज आर। अब देखो आर हमने पॉजिटिव से नहीं लिया, हमने नेगेटिव से नहीं लिया, हमने कहाँ से लिया, मिडिल पॉइंट से लिया, क्योंकि किसी भी ज्योमेट्री से जब डिस्टेंस लेना होता है तो उसके सेंट्रल पॉइंट से लेते हैं। सो संबंध कोई भी हमसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन एट डिस्टेंस आर, तो उसका डायग्राम ये वाला बनेगा। अब हमने इसका डिस्टेंस बेटा, इसका टोटल लेंथ कितना ले लिया, 2a के बराबर ले लिया। इससे फायदा क्या होगा, इसका जो हाफ डिस्टेंस होगा, ये दिस पार्ट, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस a के बराबर होगा और बाकी का डिस्टेंस भी a के बराबर होगा। उसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर हम पॉजिटिव क्यू से वहां तक का डिस्टेंस कंसीडर करेंगे ना, मतलब अगर हम माने कि यहां से वहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो आंसर आएगा आर माइनस ए। चेक करो कैसे, क्योंकि आर है सेंट्रल पॉइंट से, उसमें से ये वाला ए जो हमें दिख रहा है ना, ये वाला ए अगर हम माइनस करते हैं, ये वाला ये ए माइनस करते हैं, तो हम
प्लस क्यू डिस्टेंस पे आ जाते हैं. सो दिस डिस्टेंस बिकम्स आर माइनस ए. सिमिलरली अगर हम माइनस क्यू से डिस्टेंस निकालते हैं तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, चेक करो अच्छे से, आर प्लस ए के इक्वल आएगा. और जिस पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेट से हम उस वाले पॉइंट को ए नाम दे देते हैं. अच्छा आप सोचो अगर ए पॉइंट का डिस्टेंस प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों से इक्वल होता तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से आता उतना माइनस की वजह से आता, और अपोजिट डायरेक्शन में आता तो नेट आंसर जीरो होना था. बट सिंस यहां पे दोनों चार्जेस से डिस्टेंस सेम नहीं आ रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो आएगी. लेट अस चेक, ए पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी किस डायरेक्शन में बेटा, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी राइट डायरेक्शन में, और उसको हम नाम दे सकते हैं ई प्लस. आई थिंक क्लियर है. और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे आएगी, अवे फ्रॉम के टूवर्ड्स माइनस चार्ज. यस बिल्कुल सही बोला आपने, टूवर्ड्स माइनस चार्ज, तो इसको हम नाम क्या देंगे, ई माइनस. अब अगर हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, कोई हमसे कहता सर ई प्लस बताओ, तो हम लोग बोलेंगे ई प्लस इज के क्यू अपॉन डिस्टेंस. कितना है डिस्टेंस, पॉजिटिव. हम किसकी वजह से निकाल रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं. प्लस क्यू से ए तक का डिस्टेंस है आर माइनस ए और उसका होल स्क्वायर. ये क्या निकाल लिया हमने, ई प्लस, जिसकी डायरेक्शन किधर है, राइट डायरेक्शन में. सिमिलरली कोई हमसे बोलता है ई माइनस बताओ, देन वी कैन से इट इज के क्यू अपॉन हाउ मच डिस्टेंस, आर प्लस ए होल स्क्वायर. और मैंने आपको बहुत पहले वाले लेक्चर में बोला है, चार्ज में भी पॉजिटिव, चार्ज में भी नेगेटिव, बट हम कभी भी माइनस साइन नहीं लेते हैं, क्योंकि हम माइनस साइन की वजह से डायरेक्शन को दिखा चुके हैं कि वो राइट में होगा कि लेफ्ट में होगा. अब अगर कोई हमसे बोलता है कि ई बताइए, ई एट ए हाउ मच, राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो लेफ्ट डायरेक्शन को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो ऐसे आंसर आएगा ई प्लस माइनस ई माइनस. नाउ दिस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर. एक काम करते हैं, हम के क्यू को कॉमन लेते हैं, यहां पे क्या वैल्यू आएगी, वन अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर. आई थिंक यहां तक क्लियर है. आप लोग एक बार देख लो, फिर मैं पेस्ट ऑन करता हूं. अगर आप नोट नहीं कर पाते तो आप इसको पॉज करके अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं, बट बेटा नोट्स जरूर बनाना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा. सो अब हम इसको टर्न करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी, ई ए इज इक्वल टू के क्यू कॉमन है, इधर ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर, और नीचे कितना आने वाला है, नीचे आने वाला है आर प्लस ए होल स्क्वायर इंटू आर माइनस ए होल स्क्वायर. नाउ दिस इक्वल टू ऊपर न्यूमरेटर जो है उसको हम ओपन करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर. अगर हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू आर ए, टू आर ए हम यहाँ पे ए लिखेंगे, टू आर ए ये पहले वाले ब्रैकेट का हो गया वैल्यू, दूसरे वाले का आएगा कितना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू आर ए. ये अपर न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप, उसका होल स्क्वायर. आई थिंक क्लियर है. न्यूमरेटर में देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो न्यूमरेटर में वैल्यू बचेगी के क्यू, ऊपर आएगा फोर आर ए डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, दिस इज ई एट ए. एक काम करते हैं, हम इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं. हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसा करते हैं यहाँ पे के बाहर निकालते हैं और हम लिखते हैं क्यू इंटू टू ए. आप याद करो क्यू इंटू टू ए कुछ है, साथ साथ में ऊपर कितना बच जाएगा, टू आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर. मैंने आपको समझाया था डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, और इस वाले केस में सेपरेशन बिटवीन चार्जेस कितना दिया था, टू ए दिया था. सो क्यू इंटू टू ए क्या क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा. सो वी हैव दिस ई ए इक्वल टू के इंटू पी इंटू टू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इज द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन. एक बार आप देख लो अच्छे से, तो फिर मैं आगे टर्न करता हूं. अच्छा एक और चीज है, कई बार हमसे बोला जाता है कि शॉर्ट डाइपोल. शॉर्ट डाइपोल का मतलब हुआ, हम ऐसा मान के चलते हैं, मैं आपको पहले लिख के दिखाता हूं. शॉर्ट डाइपोल,
इन जनरल मैंने आपसे बोला कि डाइपोल का कंसेप्ट कहाँ से आया, मॉलिक्यूलर लेवल से आया। मॉलिक्यूलर लेवल में दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन बहुत बहुत कम होता है, तो शॉर्ट डाइपोल हम किसको कहते हैं, जब डाइपोल का जो लेंथ था 2a और a, हम 2a ले सकते हैं या a ले सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा किससे, कंपैरिजन में डिस्टेंस से। a क्या था, 2a बेसिकली दो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन था, या प्लस दो एटम के बीच का सेपरेशन था जिसमें से एक प्लस था और एक माइनस था, और जो r है वो सेंटर से डिस्टेंस है। तो अगर r बहुत ज़्यादा होगा उन दो चार्जेस से तो हम ऐसे वाले डाइपोल को नाम देंगे शॉर्ट डाइपोल। अगर ऐसा होगा तो जहाँ पे भी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली कितना, आर स्क्वायर। तो जो ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए का फॉर्मूला आ रहा था दैट वॉज के इंटू पी इंटू टू आर, और नीचे क्या था बेटा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, तो यहाँ अंदर कितना बचेगा, अप्रॉक्सीमेटली आर स्क्वायर, उसका भी होल स्क्वायर था, आप प्रीवियस वाले आर्टिकल को देख सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू कितनी बच जाएगी, के इंटू टू पी, नीचे आर पावर फोर आएगा ऊपर आर होगा, एक आर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, आर क्यूब। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। मैं दोबारा डायग्राम दिखाता हूँ, यहाँ माइनस क्यू होगा, यहाँ प्लस क्यू होगा, यहाँ बीच का सेपरेशन 2a था, यहाँ सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस r के बराबर था ये वाला डिस्टेंस, और हम यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे a पे, जिसकी वैल्यू आती है ई ए इज इक्वल टू के इंटू टू पी अपॉन आर क्यूब। बट ये जो वैल्यू मैंने निकाली है वो स्केलर फॉर्म में, अगर हम वेक्टर फॉर्म में निकालें तो हमें अच्छे से मालूम है a पॉइंट पे पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी राइट डायरेक्शन में और वो ज़्यादा थी, तो एक्चुअली ए पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन कहाँ पे आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आएगी। और डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट भी किधर है, वो भी है माइनस से प्लस की तरफ, तो एक्चुअली डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और नेट फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में। तो अगर हम इसको वैक्टर फॉर्म में लिखने की ट्राई करें तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ए पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है दैट इक्वल टू के इंटू टू इंटू पी वैक्टर ओवर आर क्यूब। इसको ध्यान से समझो आप, क्योंकि ए पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है वो उसी डायरेक्शन में है जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, इस वजह से हम लोग वैक्टर फॉर्म में इस हिसाब से इसको नोट कर सकते हैं। आप लोग एक बार सही से देख लो। अभी कोई हमसे बोलता है एग्जाम्पल कुछ ऐसे, देयर आर टू चार्जेस 100 माइक्रोकूलम एंड माइनस 100 माइक्रोकूलम एट डिस्टेंस 10 मिलीमीटर, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 1 मीटर, ऐसे लिखते हैं हम इसको, एट डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम डाइपोल। मैंने आपको समझाया था अगर ये 1 मीटर दिया है तो कहाँ से दिया होगा, डाइपोल के सेंटर से दिया होगा। फिर समझते हैं, देर आर टू चार्जेस 100 माइक्रोकूलम एंड माइनस 100 माइक्रोकूलम एट डिस्टेंस 10 मिलीमीटर फ्रॉम ईच अदर, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम डाइपोल। अगर हम डायग्राम बना के देखें तो डायग्राम कैसे बन रहा होगा, हम सोल्यूशन लिखते हैं, डायग्राम बना के देखते हैं, एक होगा माइनस 100 माइक्रोकूलम और एक होगा प्लस 100 माइक्रोकूलम, कितने सेपरेशन पे दिए होंगे हमें, ये दिए होंगे 10 मिलीमीटर दूर, आई थिंक क्लियर है। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे कैलकुलेट करनी है, यहाँ से कितना दूर, 1 मीटर दूर, कहीं यहाँ पे कैलकुलेट करनी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब ध्यान से देखो, डाइपोल्स के बीच का डिस्टेंस कितना दिया, 10 मिलीमीटर, और कितने दूर निकालना है हमने, 1 मीटर, और 1 मीटर 10 मिलीमीटर से काफ़ी ज़्यादा है, हम लिख सकते हैं 1 मीटर इज़ काफ़ी ज़्यादा और फार फार ग्रेटर देन 10 मिलीमीटर वैल्यू, ये काफ़ी ज़्यादा है हम अगर इसको कैलकुलेशन में लेंगे तो।
तो फिर हम क्या करेंगे, हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने दूसरा वाला फॉर्मूला मॉडिफाई करा हुआ था, दैट वॉज ई इक्वल टू के इंटू टू पी अपॉन आर क्यूब एंड दैट इक्वल टू के इज 9 × 10⁻⁹ × 2. वॉट इज पी? पी इज चार्ज 100 × 10⁻⁶, ये क्यूब आ गया, मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन चार्जेस कितना होगा × 10 × 10⁻³ बिकॉज मिलीमीटर में दिया हुआ है, डिवाइड बाय आर कितना आएगा 1³. ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी. वैल्यूज को कैलकुलेट करें, इस वाले ब्रैकेट से निकलेगा 10⁻⁴, यहाँ से निकलेगा 10⁻⁪, टोटल हो जाएगा 10⁻⁶, यहाँ दिया 10⁻⁹, तो कितना आएगा 10⁻³, और ये 2 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18 × 10³ न्यूटन पर कूलम. दिस इज आंसर. मैंने यूनिट किसकी लिखी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की. सो इट वॉज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन. अभी हमसे कोई पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन निकालो, तो हम वो आर्टिकल भी लिख सकते हैं. सो आर्टिकल इज नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन. ये आर्टिकल है जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे. अभी इक्वेटोरियल लाइन का क्या मतलब हुआ? इक्वेटोरियल लाइन का मतलब हुआ कि हमारे पास ये डाइपोल है, यहां पे माइनस क्यू, यहां पे प्लस क्यू. अगर हम सेम चीज ले लेते हैं, दिस इज 2a, जैसा हमने पहले लिया था. इक्वेटोरियल लाइन बेटा कौन सा? मिडिल वाले से बाइसेक्टर लाइन पे, मैंने आपको बिगनिंग में बताया था ये इक्वेटोरियल लाइन है, हमने यहां निकालना है. तो मान लो हमें डिस्टेंस दिया हुआ फिर से r. देखो प्रीवियस आर्टिकल में हमने डिस्टेंस कहां से लिया था? सेंटर से. इस वाले आर्टिकल में भी डिस्टेंस हमने कहां से लिया है? ऑफ कोर्स सेंटर से. अब हमने उस वाले पॉइंट पे फील्ड निकालनी. इस वाले पॉइंट को हम ए नहीं बोलते, इसको हम बी बोल देते हैं. बी पॉइंट पे हमने फील्ड निकालनी है. चार्जेस कितने हैं बेटा? 1 और 2. देयर आर 2 चार्जेस. प्लस क्यू से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को आएगी? अवे फ्रॉम चार्ज. हमें याद है ना, प्लस क्यू से आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज. हम कैसे लिखेंगे ये? ऐसे लिखेंगे. और इसको हम क्या बोल रहे होंगे? इसको हम बोल रहे होंगे ई प्लस. याद है आपको? अच्छा, इसी पॉइंट पे माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को आएगी? माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स माइनस. और इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे ई माइनस. एक और काम करते हैं, हम यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करते हैं. ऐसे प्लॉट कर दिया. अगर ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा? ये भी थीटा होगा. अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? ये भी थीटा होगा. बेटा अगर ये वाला थीटा है तो ये कितना होगा? ये भी थीटा होगा. एक और बात, ये टोटल 2a था, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आएगा? a. और यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना आएगा? a. तो अगर हम इस वाले डिस्टेंस की बात करते हैं, ये कितना आएगा? ये डिस्टेंस आएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. और ये वाला डिस्टेंस भी कितना आएगा? दिस इज ऑल्सो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब अगर कोई हमसे पूछे कि ई प्लस का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ई प्लस का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो कितना आएगा? के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है बेटा? पॉजिटिव चार्ज से बी तक का डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. उसको हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सिमिलरली अगर कोई हमसे बोले ई माइनस का मॉड कितना आएगा, वो भी सेम आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इतना क्लियर हो गया? मतलब बी पॉइंट पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस की वजह से मैग्नीट्यूड सेम आएगा. अभी हम ध्यान से देखें तो मैं बी पॉइंट को दोबारा यहां पे दिखाता हूं जिससे वहां कंफ्यूजन ना हो. यहां दिखा दिया मैंने. जो आपको बी पॉइंट पे ई प्लस दिख रहा है ना, ई प्लस का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा. आप ध्यान से देखो कितना आएगा, वो आएगा ई प्लस साइन थीटा. आई थिंक क्लियर है. और ई प्लस का एक कंपोनेंट लेफ्ट में आएगा और वो कितना आएगा? ई प्लस कॉस थीटा. बेटा ई माइनस देखो कहां पे आ रहा है, वो नीचे को आ रहा है. तो इधर को एक कंपोनेंट आएगा ई माइनस साइन थीटा, और लेफ्ट में एक कंपोनेंट आएगा, वो कितना होगा? वो होगा ई माइनस कॉस थीटा. आई थिंक क्लियर है. अच्छा एक चीज, ई प्लस और ई माइनस का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, सो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. दिस एंड दिस कैंसिल्स आउट. हमारे पास कौन से कंपोनेंट बचेंगे? कॉस थीटा और
cos theta, E plus cos theta और E minus cos theta. तो जो हमारे पास net electric field आएगी उसको हम कुछ ऐसे दिखाएंगे. This is B, इस पे net electric field इधर को आ रही थी, E plus cos theta plus E minus cos theta is equal to 2 times K. 2 times हम ऐसे बोल सकते हैं, 2 times E plus cos theta. Reason, दोनों की वैल्यू सेम आ रही थी, हमें मालूम है जितना E plus की वैल्यू आ रही थी उतना E minus की वैल्यू आ रही थी. 2 times E plus की वैल्यू हमने कितना लिखा था, K Q upon R square plus A square, साथ में आ गया cos theta. Now this equal to 2 times K Q upon R square plus A square. And how much is cos theta? आप पीछे डायग्राम में जाके देखो, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ. Just a minute. ये डायग्राम है, इस डायग्राम में दिखाता हूँ. A बेस पे है और अंडर रूट R square plus A square हाइपोटेन्यूज पे है, तो उसके हिसाब से जो cos theta की वैल्यू आएगी वो आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इतना आएगा. अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, k इंटू क्यू इंटू टू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर हाउ मच, 3/2. अच्छा हमें मालूम है k इंटू टू ए क्या होगा, k इंटू टू ए, इसको हम e भी बोल सकते हैं, k इंटू टू ए को हम p बोलेंगे. सो आएगा k इंटू p अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2. एक बार अच्छे से देखो इसको, दोबारा से पॉज करके या बैक करके आप इस सॉल्यूशन को दोबारा से देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा. ये ई भी निकल गया. अब हम दोबारा से उस सेम कंसेप्ट जो हमने अभी शॉर्ट डाइपोल की बात करी थी, हम दोबारा से लिख सकते हैं. यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, शॉर्ट डाइपोल. शॉर्ट डाइपोल का क्या मतलब होगा, यहाँ पे आर बहुत ज़्यादा होगा किससे, ए से. अगर ऐसा करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज नियरली आर स्क्वायर. सो ई बी इज इक्वल टू के इंटू पी अपॉन, यहाँ पे क्या लिखा था, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2. अगर हम उसको लिखेंगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी, क्यूब बन जाएगा. सो वी हैव गॉट दिस वैल्यू. बट ये स्केलर फॉर्म में है, कि स्केलर फॉर्म में अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं. देखो ये माइनस है प्लस, डाइपोल मोमेंट इधर था और ये इक्वेटोरियल लाइन थी और इसको हमने बी बोला था और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किधर आ रही थी, इधर को आ रही थी. ध्यान से देखो, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में है जबकि डाइपोल मोमेंट राइट डायरेक्शन में है. दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में नहीं आ रही, कैसे आ रही है, अपोजिट आ रही है. तो अगर हम इसको देखें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ई बी वैक्टर इक्वल टू के बाय आर क्यूब इंटू माइनस पी वैक्टर. ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि पी वैक्टर और ई बी वैक्टर की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है. सो वी हैव गॉट दिस रिलेशन. इसका मतलब बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है. ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन. हम एक काम करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, दोनों को रिलेट करने की ट्राई करते हैं. इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन पे क्या क्या रिलेशन था. ये हमारे पास डाइपोल था, ये प्लस. अभी हम बात करेंगे शॉर्ट डाइपोल, ओनली शॉर्ट डाइपोल, लॉन्ग की बात नहीं करेंगे. ये सेंटर, ये आर, ये पॉइंट, इधर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड. याद है ना, क्योंकि प्लस ज़्यादा पास में है तो प्लस का इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में होगी. हमने इसको बोला था ए, ये आएगा ई ए. उसके बाद से हम देखते हैं ये वाला पॉइंट, इसको हम क्या बोलते थे, हम इसको भी आर बोल देते हैं. आर तो वेरिएबल है, कुछ भी हम बोल सकते हैं. और इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किधर को आ रही थी, वो आ रही थी इधर को. ये था पॉइंट बी, इसको हम बोल रहे थे ई बी. अगर हम मानते हैं शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के केस में ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, याद करो, प्रीवियस मैंने पहले लिखवाया हुआ है, के इंटू टू पी ओवर आर क्यूब.
यहाँ माइनस नहीं आता था, लेकिन अगर हम बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो क्या रिलेशन आ रहा था, हमने अभी अभी निकाला, बी पे रिलेशन आ रहा था माइनस के पी ओवर आर क्यूब। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ई ए इक्वल टू टू टाइम्स के पी ओवर आर क्यूब, और नीचे वाले एक्सप्रेशन से देखो, यहां से देखो आप, इस वाले रिलेशन से देखो, के पी अपॉन आर क्यूब का क्या मतलब है, के पी अपॉन आर क्यूब का मतलब है माइनस बी वैक्टर। सो बेसिकली हमारे पास ई ए वैक्टर इक्वल टू माइनस टू टाइम्स ई बी वैक्टर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझो, एक्सियल लाइन पे अगर हम डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस दूर एक्सियल लाइन पे जाएं, या फिर उसी डाइपोल के सेंट्रल पॉइंट से आर डिस्टेंस दूर इक्वेटोरियल लाइन पे जाएं, तो इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड से हाफ होगी, या उल्टा बोल सकते हैं, एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड से डबल होगी। आप देख रहे हैं ई ए इक्वल टू टू टाइम्स ई बी, तो टू टाइम्स तो होगी, माइनस क्यों आ रहा है, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो लेफ्ट टू राइट है, और इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो राइट टू लेफ्ट है, इस वजह से माइनस साइन का फर्क आ रहा है दोनों रिलेशन में। सो इट वॉज अबाउट, अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा अबाउट डाइपोल क्या होता है, कहाँ से बनते हैं डाइपोल, और इनका बेसिक रिलेशन कहाँ से आया, केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल से आया। फिर हमने देखा डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, अभी हमने निकाला एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, लॉन्ग डाइपोल की वजह से भी निकाला, शॉर्ट की वजह से निकाला, फिर हमने निकाला इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी लॉन्ग की वजह से निकाला और शॉर्ट की वजह से निकाला। तो बेटा मुझे लग रहा है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, मैं हर दिन लेक्चर डालता हूँ, आपने टाइमली लेक्चर देखना है, जब भी लेक्चर आता है आपने उसको देखना है, प्रॉपर नोट्स लिखने हैं और रिवाइज करना है, संडे के संडे आपने टाइम रखना है रिवाइज करने का, मंडे को आपको टेस्ट देना है, और ये रूटीन आपने बना के रखना है। अगर आप इसको बहुत सही से करते रहेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और कीप इट अप बेटा, आप बहुत अच्छा कर पाओगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक नहीं करना, अच्छे बच्चे हो। और उसके अलावा सब्सक्राइब आप भी करो, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो आप उनको इस वीडियो को सेंड कर सकते हो जब तक मैं YouTube पे दिखा रहा हूँ। जब मैं YouTube पे नहीं दिखाऊंगा तो आप लोग क्लास करोगे, बाकी बच्चों को वीडियो नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। सो थैंक यू सो मच, एंड इट वॉज ऑल अबाउट।